आज का सवाल टाइप कास्टिंग को लेकर के है। टाइप कास्टिंग क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है टाइप कास्टिंग। तो पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग क्या होती है, व्हाट इज टाइप कास्टिंग इन पाइथन। ठीक है, तो जो टाइप कास्टिंग होती है ना, वो पाइथन के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनुअली डेटा टाइप को चेंज किया जाता है। किसी न किसी फंक्शन को यूज करके आप वो डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, कैसे हम डेटा टाइप को चेंज करेंगे, कोई एग्जाम्पल जो है अगर आपके दिमाग में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो एग्जाम्पल दे ही रहा हूँ। देखिए, अलग अलग तरीके हो सकते हैं किसी भी डेटा टाइप को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब वो डेटा टाइप को चेंज करने के अलग अलग तरीके क्या हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कुछ भी असाइन कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया, अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पर आकर के ए नाम से एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए 3 स्टोर कर दिया, 5 स्टोर, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं, जो आप चाहे स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा भी वेरिएबल लिया जा सकता है। तो पहले तो हम पहला ही वेरिएबल ले लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू 3 कर दिया। ए इज इक्वल टू 3 करने के बाद एंटर करिएगा, और एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और वेरिएबल क्यों ना बना लिया जाए। ठीक है, तो किसी भी नाम से आप एक और वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं FLOAT फ्लोट अंडरस्कोर, यहाँ पे नम कर देते हैं। तो फ्लोट नम नाम से एक वेरिएबल अब क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है हम जो फंक्शन यूज करेंगे उसको स्टोर कराना है। तो यहाँ पे अब फ्लोट जो हम यूज करेंगे, फ्लोट किसके लिए फ्लोट यूज कर रहे हैं, ए के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए में जो वैल्यू होगी वो फ्लोट में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब जब फ्लोट में जाके स्टोर होगी तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट। दो प्रकार का होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, दूसरा एक्सप्लिसिट होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम इसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दिया किस में गया है, तो ये इंटीजर है, आपको पता ही है ये इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट की बात हुई नहीं है, पी अपॉन क्यू वाली वैल्यू ही है नहीं, तो ये इंटीजर ही है। और इंटीजर की टाइप कास्टिंग अब हम कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, PRINT प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर अब क्या करना है, जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब हमें जो है फ्लोट नम को प्रिंट कराना है, FLOAT फ्लोट अंडरस्कोर नम, इसको प्रिंट कराना है। और जब हम प्रिंट कराएंगे तो इसका जो डेटा टाइप आएगा, देखिए पहले तो इसका डेटा टाइप क्या रहा, पहले तो इसका डेटा टाइप रहा इंटीजर इंट रहा। ठीक है, लेकिन ये जब हमने टाइप कास्टिंग करा दी तो यहां पर इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लोट। अब इसको करके भी देखना पड़ेगा, सिर्फ इससे थोड़ी ना होगा, हमें इसे चला के देखना होगा। तो पाइथन ओपन करते हैं, ट्रेडिशनल आइडियली ही हम ओपन कर लेते हैं, आप चाहे तो वीएस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर आकर के, या जुपिटर नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए और यहाँ पर अब टाइप कास्टिंग कराते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है वही हमें लिखना है। देखिए जरा प्रोग्राम हमारा क्या था उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहले ए इज इक्वल टू 3 किया हमने, एंटर किया, और हमने किस नाम से बनाया था वो देखना पड़ेगा। तो हमने बनाया है फ्लोट नम नाम से, तो यहाँ पे लिखिए FLOAT फ्लोट अंडरस्कोर नम, ये हो गया फ्लोट नम इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा दिया इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे FLOAT फ्लोट, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके क्या करना है देखिए जरा, यहाँ पे ए को प्रिंट कराना है, ए को। ठीक है, तो ये हो गया। अब ए को प्रिंट नहीं कराना है, बल्कि ए में जो वैल्यू है वो फ्लोट नम में जाके स्टोर हो जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, फ्लोट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए, अब किसको प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ फ्लोट नम को प्रिंट करवाएंगे, तो ये हो गया फ्लोट अंडरस्कोर नम। तो बस इतना ही लिख देना है आपको, और अब ब्रैकेट को क्लोज करके और इसको चलाने की बारी है। तो चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा रिजल्ट सही आता है। अगर सब कुछ ठीक है तो हमारा रिजल्ट सही आएगा, यही टाइप कास्टिंग होती है। तो ये हो गया, और एंटर कर दीजिए बस इतना लिख करके, और एंटर कर दीजिए। इस नाम से कोई भी फाइल सेव है तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, और फिर ये कर देते हैं। अब इसको रन कराने की बारी है, तो यहाँ पर ये रन करा दिया हमने, तो रन कराया, तो ये पहले क्या था, ये पहले था 3, और टाइप कास्टिंग के बाद ये क्या बन गया, 3.0। आप इसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लोट किया, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो ये हो गया स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो फ्लोट लगाया है ना, तो फ्लोट की जगह हम क्या करेंगे, str लगा देंगे। क्या लगा देंगे, str। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल str लगाना है। यहाँ पे देखिए str हो गया, और अब फ्लोट नम को जो था वो नाम चेंज हो गया है, तो स्ट्रिंग नम हो गया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर दीजिएगा, string। ठीक है, string, ये हो गया। तो अभी क्या होगा, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी कैसे पता ये स्ट्रिंग बना है कि नहीं बना है, तो 3 तो स्ट्रिंग है नहीं, लेकिन ये 3 ही दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसका टाइप चेक करें, यहाँ से देखिए टाइप ऑफ स्ट्रिंग नम,
तो यहां पर आप देखेंगे तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग नम क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये होगा F5 एंटर किया, तो यहां पर देखिए क्लास इसका स्ट्रिंग बता रहा है। लेकिन इसके पहले की बात करें यानी कि जब हमने फ्लोट इसे बनाया था तो फ्लोट में क्या था देखिए जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जब हमने फ्लोट बनाया था तो ये ऐसा था। और अगर इस समय हम इसकी टाइप कास्टिंग चेक करें, टाइप चेक करें, डेटा टाइप चेक करें, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी जो टाइप होगी वो फ्लोट आएगी। तो यहां पे देखिए इसका टाइप क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। और शुरुआत में क्या था, शुरुआत में इंटीजर आता, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नहीं रहता और हम सिर्फ सीधा ए को प्रिंट करवाते यानी टाइप ऑफ ए कर देते तो ये क्या होता, ये स्ट्रिंग बन जाता। तो यही टाइप कास्टिंग होती है, डेटा टाइप को चेंज करना किसी पर्टिकुलर फंक्शंस वगैरह को लेकर के, उसे डेटा टाइप आप चेंज कर देते हैं तो यही टाइप कास्टिंग कहलाती है, ठीक है।